हेलो फ्रेंड, मैं शिशिर शर्मा 9+ ईयर एक्सपीरियंस डेवलपर हूँ। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रिएक्ट जेएस का 15th ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जावास्क्रिप्ट में एसिंक एंड अवेट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ES8 का टॉपिक है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसिंक एंड अवेट। जावास्क्रिप्ट में एसिंक एंड अवेट का टॉपिक करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको जावास्क्रिप्ट का प्रॉमिस आना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस नहीं आता है तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस का वीडियो देख लीजिए। मेरा वीडियो नंबर 13 है, जिसमें मैंने जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस के बारे में बताया हुआ है। अगर आप जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको एसिंक और अवेट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं अब आपको ये बताना चाहूँगा कि जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस जो है वो ES6 का टॉपिक है, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था, और एसिंक एंड अवेट ES8 का टॉपिक है, जो कि 2017 में लॉन्च हुआ था। मतलब प्रॉमिस को ही और इम्प्रूव करके एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है, एसिंक एंड अवेट का। तो दोस्तों, अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पर चलता हूँ, इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे सामने एक रिएक्ट ऐप ओपन है, जो कि ब्राउज़र पर चल भी रहा है। तो अब हमें एसिंक एंड अवेट पर काम करना है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉमिस का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें एक प्रॉमिस बनाना पड़ेगा, और फिर उस प्रॉमिस को हम एसिंक एंड अवेट में यूज़ करके दिखाएंगे आपको। तो मैं अब क्रिएट करता हूँ। मैंने ये एक एरो फंक्शन क्रिएट किया है ऐड नाम का, जिसमें मैं दो पैरामीटर ले लेता हूँ, ए कॉमा बी। मतलब ये दो वैल्यू पास करेंगे जो इन दो वैल्यू को प्लस करेगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं अपना एक प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, प्रॉमिस OBJ न्यू प्रॉमिस। ये मैंने एक प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब ये मेरा एक प्रॉमिस क्रिएट हो चुका है, और मतलब एक मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर एक मैंने प्रॉमिस क्रिएट किया हुआ है, और इस प्रॉमिस का काम है दो वैल्यू को प्लस करना। बट रूल हमने क्या कंडीशन लगा रखी है कि अगर ए या बी में से कोई एक भी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, जीरो से छोटी मतलब नेगेटिव आ जाती है, तो उस केस में रॉन्ग इनपुट लेकर रिजेक्ट कर देगा, मतलब प्लस नहीं करेगा, अदरवाइज वो प्लस करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा, बन गया मेरा प्रॉमिस। अब मैं इसको यूज़ करूँगा, एक सेकंड को, इसे मुझे रिटर्न भी करना था, रिटर्न प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। अब कंप्लीट हो गया हमारा। अब मैं इसे कॉल करता हूँ ऐड, इसमें मैं दो वैल्यू पास कर देता हूँ, सपोज़
देन रिजल्ट कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, ये हो गया। अब ये देखता हूँ मैं इसे, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करना पड़ेगा। कंसोल में मिलेगा मुझे फाइव, फाइव मिल गया, और मैं इसको रिजेक्ट भी कर ही लेता हूँ, डॉट कैच भी बना लेता हूँ इसका रिजल्ट, सॉरी इसको मैं बनाता हूँ एरर के नाम से, एरर कंसोल डॉट लॉग एरर। अच्छा अभी तो फाइव ही आएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इनपुट ऐसा देता हूँ माइनस वाली वैल्यू, उस केस में आएगा ये, देखिए रॉन्ग इनपुट आ गया, इसे मैं क्लीन करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, ये आ गया रॉन्ग इनपुट। ठीक है, तो इसका मतलब, कहने का मतलब है रिजॉल्व और रिजेक्ट मेरे दोनों चल रहे हैं। तो अभी भी मैंने एसिंक एंड अवेट का यूज़ नहीं किया है, अभी तो मैंने बस केवल आपके सामने एक प्रॉमिस क्रिएट किया है और उसको कॉल करके दिखाया है। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा और करते हैं काम, अभी प्रॉमिस में और बनाते हैं देन। ऐसा करता हूँ यहाँ पे इसको रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न ओ वैल्यू इसकी सही पास करता हूँ, और रिटर्न में क्या करता हूँ फिर से इसको कॉल करता हूँ 5.6 ऐसे, सेम यहाँ पर भी ले लेता हूँ और रिजल्ट कंसोल डॉट लॉग, और मैंने किया इस बार मैं नेगेटिव वैल्यू पास करता हूँ -4.6। सॉरी पहले मैं प्रिंट करूँगा रिजल्ट, और यहाँ पे रिटर्न एड -2 या कुछ भी लिख देता हूँ -6 और 7। ये थोड़ा सा इसको ऊपर पहुंचा देता हूँ, अब सही है। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐड फंक्शन तीन बार कॉल कर रहा हूँ। पहला मैंने वैल्यू 2.3 डाली, मतलब करेक्ट वैल्यू डाली, फिर मैंने 5.6 डाली, फिर भी करेक्ट डाली, यानी कि 2+3 5 ये भी मिलेगा, 5+6 11 ये भी मिलेगा। ठीक है, मतलब पहले ये वैल्यू डाली तो हमें ये देन में रिजल्ट मिल गया, फिर मैंने ये वैल्यू डाली, मतलब ऐड, भाई ये तो कॉल हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है ऐसे यहाँ पे भी ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर वो डाला, फिर वो देन में पहुँचा दिया उसने, फिर रिजल्ट आ गया। लेकिन फिर मैंने ये पहुँचाया तो कहने का मतलब इसका प्लस आएगा, फिर इसका प्लस आएगा, और तीसरी बार में ये रिजेक्ट होके इसमें चला जाएगा। ठीक है, और अगर हम माइनस वाली वैल्यू नहीं डालेंगे तो तीसरी वाली रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसे रन करता हूँ, ये देखो क्लीन करता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, 5 11 और रॉन्ग। ठीक है, इसका 5 आ गया, इसका 11 आ गया, और इस वाले केस में रिजेक्ट हो गया। ठीक है, और अगर हम मान लो तीनों बार में ऐसे ही दे देते, अब ये रॉन्ग नहीं आएगा, मतलब तीनों बार का रिजल्ट आएगा। ठीक है, एक सेकंड देखो, और इसका रिजल्ट मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया, इसका रिजल्ट मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया, लेकिन फिर इसका भी मुझे देन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी रिजल्ट प्रिंट होगा।
मिस्टेक हो गई यहाँ पे। डॉट रह गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो ये तीन बार कॉल किया और तीनों बार मैंने सही वैल्यू डाली, मतलब प्लस की वैल्यू डाली, तो तीनों बार सही रिजल्ट आया। और मैं यहाँ पे अप करता हूँ या माइनस वैल्यू डालता हूँ तो ये देन में ना आके कैश में पहुँच जाएगा। ये देखिए पहुँच गया, ये देखिए पहुँच गया, इसका मतलब करेक्ट हो गया। तो अभी तक हमने ये जो देखा है ये था, एक मैंने प्रॉमिस बनाया है और मैंने आपके सामने प्रॉमिस यूज़ करके दिखाया है। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ, एसिंक एंड अवेट पे। अब जो काम मैंने ऐसे किया था मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ। अब यही जो वर्क है ये मैं एसिंक एंड अवेट के थ्रू करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, शो नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ और इसको मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब करना क्या है हमें, इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, एसिंक फंक्शन बना लेते हैं। ये मेरा एसिंक फंक्शन हो गया। मैं एक बात और बता दूंगा आपको, मतलब एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, एसिंक फंक्शन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, उसको मैं अभी थोड़ी देर बताऊंगा। पहले मैं एसिंक फंक्शन के अंदर का वर्क बताता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए ऊपर वाला जो कोड है मैंने कमेंट कर दिया है, सेम वही कोड मैं फिर से करूँगा नीचे, मतलब एक नए तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ एक्स इक्वल एवेट, और मैं लिखता हूँ ऐड 2,3। मतलब ऐड क्या है, ये एक प्रॉमिस हुआ, हमने एक प्रॉमिस कॉल किया। अब यहाँ पे बात यह आती है अवेट। एक बात मैं और बता दूँ, अवेट का जो यूज़ होता है वो एसिक फंक्शन के अंदर ही होता है। मतलब आप चाहो कि इसको ऐसे यहाँ से कट कर लो सपोज, और यहाँ यूज़ कर लो ऐसे बाहर ओपनली, तो नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर आपको यूज़ करना है तो आपको एसिंक फंक्शन ही बनाना पड़ेगा। तो मैंने एसिंक फंक्शन बनाया हुआ है, उसी के अंदर मैं अवेट यूज़ कर सकता हूँ। एक तो बात ये थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन क्या है, मतलब फंक्शन नहीं बोलना चाहिए वैसे ऐसे, मतलब एक प्रॉमिस बोलना चाहिए हमें। तो ऐड नाम का मतलब एक, मतलब हमने एक प्रॉमिस बना रखा है। अब ये अवेट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अवेट का मतलब हो क्या रहा है, अवेट का मतलब ये हो रहा है कि जब ये प्रॉमिस क्या करेगा, अब इस प्रॉमिस को एक्जीक्यूट होने में हो सकता है 1 सेकेंड लग रहे हो या 5 सेकेंड लग रहे हो या 10 सेकेंड लग रहे हो, कुछ भी टाइम लग सकता है। तो अवेट कर क्या करता है कि जैसे मान लीजिए ऐसे सपोज मान लो 5 सेकेंड लग रहे हैं, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करने जाएगा और पता लगाएगा कि भाई अरे इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा और नेक्स्ट कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। और जब इसके 5 सेकंड पूरे हो जाएंगे, सपोज इसको एग्जीक्यूट होने में 5 सेकंड लगते हैं, और जैसे ही इसके 5 सेकंड पूरे हो जाएंगे तभी दोबारा फिर यहाँ आके इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। सपोज मैं ऐसा करता हूँ, सब पूरा कोडिंग करता हूँ, प्रिंट करता हूँ पहले, तब और अच्छे से क्लियर होगा। कंसोल डॉट लॉग किया, एक्स किया, मैं एक बार और कॉल करता हूँ, ये देखिए आप देखते रहिए, मैं ऊपर वाली सेम कोडिंग कर रहा हूँ, ऊपर वाली कोडिंग कर रहा हूँ सेम। कंसोल डॉट लॉग वाई, यहाँ पे एक बात समझने की और है कि पहले कोड कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था, कि ऐड लगा रहा है बार बार देन लगा के, कितना कॉम्प्लेक्स था, लेकिन अब कितना इजी तरीके से कोड हो गया है। मतलब ये ऊपर वाला जो कोड है, यहाँ पे जो मैंने कोड किया है, ये जो कमेंट कर रखा है, सेम यही कोड मैं नीचे कर रहा हूँ, बट एसिंक एंड अवेट का यूज़ करके कर रहा हूँ, बस इतना अंतर है। सेम ऊपर वाले कोड है, जो ऊपर हो रहा था वही काम नीचे यहाँ पे भी हो रहा है। अब मैं इसको एक बार रन करके भी देख लेता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, यस 5 एंड 11 आउटपुट आ रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है।
तो ये था हमारा अवेट के बारे में। अच्छा, अब एक मैं रॉन्ग इनपुट भी लेके देखता हूँ। जैसे मैंने ऊपर माइनस वाली वैल्यू की थी ना, वैसे करता हूँ। वेट, इसको मैंने रॉन्ग वैल्यू दे देता हूँ। अब यहां पर क्या होगा, यहां पे ये एक एरर थ्रो करेगा क्योंकि इस केस में रिजेक्ट फंक्शन कॉल होगा। कहने का मतलब है ये वाली लाइन, यहां से यहां तक की जो लाइनें हैं इनमें मैं ऐड फंक्शन दो बार कॉल कर रहा हूं, लेकिन दोनों बार रिजॉल्व फंक्शन कॉल हो रहा है, इसलिए हमको आउटपुट मिल रहा है। लेकिन तीसरी बार जब हमने ऐड फंक्शन कॉल किया है, उस समय मैंने माइनस की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है, तो माइनस की वैल्यू से वो क्या करेगा, रिजेक्ट फंक्शन को कॉल करेगा और वो एक एरर थ्रो करेगा। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ पहले। ये देखिए, इसे क्लीन करता हूँ, फिर से फ्रेश रन करता हूँ। ये देखिए, 5 आया, 11 आया, लेकिन एरर थ्रो हुई। अब यहाँ पे हम कोई एरर हैंडलिंग तो कर नहीं रहे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास एक तरीका होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल हमें ये समझना है कि आखिर अवेट क्या करता है, वो समझना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 बार प्रॉमिस को कॉल कर रहे हैं, मतलब ऐड वाला एक प्रॉमिस है वो 3 बार कॉल हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है, एसिंक्रोनसली वर्क हो रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 3 बार कॉल हो रहा है। पहली बार कॉल हो रहा है उसको 5 सेकंड लग रहे हैं, दूसरे वाले को 1 सेकंड लग रहे हैं, तीसरे वाले को 2 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या रहा है, जैसे मान लीजिए पहले वाले पे गया, उसको 5 सेकंड लग रहे हैं, वो क्या करेगा, वो उसको पता चल गया कि इसको 5 सेकंड लगेंगे, मतलब वो बैकग्राउंड में चल रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो क्या करेगा, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, दूसरे प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो एग्जीक्यूट हो गया तब तो उसको आउटपुट में दे देगा, अगर लगेगा कि इसको भी टाइम लग रहा है तो उसको भी होल्ड पर डाल देगा, फिर नेक्स्ट लेवल पहुँच जाएगा, फिर नेक्स्ट लेवल वाला एग्जीक्यूट करेगा, उसको आउटपुट मिल जाएगा, आउटपुट दे देगा, फिर वो देखेगा पीछे जो हमारे जो प्रॉमिस रन हो रहे थे कौन कौन से रन हो गए, उनके आउटपुट आने शुरू हो जाएंगे। ये एसिंक्रोनसली बैकग्राउंड में वर्क हो रहा है। तो एवेट क्या कर रहा है, आपका प्रॉमिस का वेट करता है। तो एवेट का काम होता है आपके प्रॉमिस का रिटर्न होने का वेट करना, ये होता है इसका वर्क। मान लीजिए इंटरव्यू में आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लें, एवेट क्या करता है, तो आप ये बोल सकते हैं एवेट जो होता है प्रॉमिस का रिटर्न होने के लिए वेट करता है। और कोई पूछे एसिंक फंक्शन क्या होता है, तो हम कहेंगे एसिंक फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है? अब हम उसी पे आ रहे हैं टॉपिक पे। थोड़ा सा पहले इसको एरर हैंडलिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो यहाँ पे जो रेड कलर का आ रहा है ना, ऐसा नहीं आना चाहिए। इसका मैं ट्राई ब्लॉक बनाता हूँ, इसको मैं ट्राई ब्लॉक में डालूंगा क्योंकि एरर आ रही है ना, तो इसका तरीका है आप इसको ट्राई ब्लॉक में डाल दीजिए। और अब इसका कैच बनाना पड़ेगा हमको। कंसोल डॉट लॉग एरर, मतलब जो रेड वाली एरर आएगी वो आना बंद हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, ट्राई ब्लॉक में इसको रन करेगा, इसको ये रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये सीधे कैच में आके एरर प्रिंट कर देगा जो ऊपर से एरर आ रही है रिजेक्ट के साथ। ये देखिए आ गया, इसको मैं क्लीन करता हूँ। देखो क्लीन नहीं करता हूँ, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैंने रन किया था तो पहले वाले का आउटपुट आया, दूसरे वाले का आउटपुट आया, तीसरे वाले में रेड कलर से एरर आ गई थी क्योंकि उसने एरर थ्रो करी थी, ठीक है? लेकिन दोबारा हमने रन किया तो पहले का आउटपुट आया, दूसरे का आउटपुट आया, तीसरे में एरर ना लिख के उसने आपको एरर मैसेज लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पे ट्राई कैच का एरर हैंडलिंग लगा दी है। तो ये था हमारा एवेट का टॉपिक। अब हम आते हैं अपने एसिंक के टॉपिक पे, ठीक है? चलिए अब मैं इसको ऐसा करता हूँ, इस सब कोड को हटा देता हूँ थोड़ा सा।
मतलब अभी जो हम देख रहे थे वो एवेट का यूज़ देख रहे थे, ठीक है। अब हम थोड़ा एसिंक का भी यूज़ देखते हैं, एसिंक का क्या यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो शो जो है एसिंक फंक्शन है, तो ये क्या करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो मैं इसके आगे क्या करता हूँ, एक देन लगा देता हूँ। देन लगा के मैं क्या करता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, मान लो मैं पी लिख देता हूँ सपोज, और यहाँ पे आके लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग पी लिख दिया, और इसका कैच भी बनाता हूँ, ई लिख देता हूँ, ई फॉर एरर। शो फंक्शन है, ओके। यहाँ से मैं इसको करता हूँ, रिटर्न करता हूँ, रिटर्न एक्स। अब रन करता हूँ, फ्रेश, यस, आउटपुट आ गया है। फिर से रिफ्रेश रन करता हूँ, यस, 5 आ गया। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, अब मैं आपको ये जो बता रहा हूँ एसिंक का यूज़ करना बता रहा हूँ। एसिंक में क्या हो रहा है, ये शो फंक्शन कॉल हुआ, शो फंक्शन के अंदर ऐड, ये आप क्या कर रहे हैं, एक प्रॉमिस कॉल कर रहे हैं, और ये क्या हुआ, प्रॉमिस का जो आउटपुट यहाँ आया उसने रिटर्न कर दिया। तो जब रिटर्न कर दिया तो उसको जब रिजॉल्व मिला तो वो देन में पहुँच गया, इसलिए उसने 2 और 3 का टोटल उसने प्रिंट कर दिया, 5। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मान लो माइनस की वैल्यू दे देता हूँ, अब ये रिजेक्ट आ जाएगा, रॉन्ग इनपुट। ये देखो, फिर से फ्रेश करता हूँ, रॉन्ग इनपुट आ गया। तो इस तरीके से देखा आपने, ये मैंने आपको एसिंक का यूज़ बताया, मतलब एसिंक जो होता है एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, काम करने के दोनों तरीके हैं, मतलब एक ये तरीका है और एक दूसरा तरीका, आप ये जो ऐसे ना लगा के इसी के अंदर ट्राई ब्लॉक लगा देते, जैसा कि मैंने अभी लगाया था। मैं फिर से एक बार लगा देता हूँ, ऐसे ऐसे, मतलब जो काम हमने ये नीचे कर रहे थे इसको फिर नहीं करना होगा, इसको पूरा हटा दो आप, ये लो हटा दिया, और यही सारा काम ऊपर कर लो, ये ऐसे कर लो, ऐसे, आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ये कोड पहले ऐसे किया फिर दोबारा वैसे किया। एक्चुअली अब मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली किया जाता है, प्रैक्टिकली यही तरीका है करने का, ठीक है। एसिंक फंक्शन बनाइए और उसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक लगाइए, ट्राई के अंदर आप अपने प्रोमिसेस को कॉल करिए, उसके आगे अवेट लगाइए, यही एक तरीका होता है काम करने का। तो सब ऐसे ही काम करते हैं जैसे हम भी काम करते हैं, तो इसी से करते हैं। तो यही मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल तरीका यही होता है करने का। और अगर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो और कर सकते हैं प्रैक्टिस। सपोज थोड़ा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं इसी कोड इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक प्रॉमिस और क्रिएट कर लेता हूँ, प्रोडक्ट के नाम से बना देता हूँ। इस बार मैं कुछ नहीं करा, बस एक इनटू कर देता हूँ, सेम वही कोड है, पूरा कोड कॉपी कर लिया है इस तरीके से। मतलब ऐसे जैसे ये बनाया है ऐसे आप एक और बना सकते हैं इस तरीके से, ये ऐसे, और यहाँ लिख दिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिख दिया, पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो नेगेटिव आएगा।
ओके, अब मैं यहाँ रिटर्न नहीं कर सकता ना, मुझे यहाँ प्रिंट करना पड़ेगा। रिटर्न तो अगर करूँगा तो फिर मुझे नीचे, मतलब जो मैंने यहाँ पे अभी मैंने किया था ना, अगर मैं रिटर्न करूँगा तो वैल्यू यहाँ पहुँच जाएगी, इसके देन में ले आके प्रिंट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए रिटर्न ना करा के मैं यहीं पे कंसोल कर लेता हूँ। देखो सही लिखा है मैंने, सॉरी देखो मैंने गलती कर दी, मुझे खुद आइडिया लग रहा था कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ। अब कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से मैंने देखा, मैंने आपके सामने दो दो प्रॉमिस बना रखे हैं, ये दो प्रॉमिस हैं, ऐड वाला एक प्रॉमिस बनाया है, एक प्रोडक्ट वाला प्रॉमिस बना दिया है, और उन मतलब यही होता है काम बेसिकली। इस तरीके से जो प्रॉमिस बने हैं, इन्हीं प्रॉमिस को हम लोग एसिंक और अवेयर के थ्रू मतलब उसे कॉल करते हैं। अच्छा, एक प्रैक्टिकली मैं बात और बताना चाहूँगा कि बेसिकली हम लोग प्रॉमिस भी कभी बनाते ही नहीं हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दे रहा हूँ, देखिए ये सारा रिमूव कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, बताता हूँ कि प्रैक्टिकली होता क्या है। ये सब कुछ नहीं होता, ऐसे होता है। अब ये कोड रन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने प्रॉमिस रिमूव कर दिए हैं, तो एरर आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली हम लोग इसका यूज़ जो करते हैं वो API के साथ करते हैं, हमारे पास बहुत सारी APIs वगैरह होती हैं। ठीक है, तो बस इस तरीके, मतलब हम लोगों को प्रॉमिस बनाने नहीं होते हैं, बस हमें अपने प्रॉमिसेस को यूज़ करना होता है। तो जो API जब आप कॉल करेंगे, तो कोई API कॉल करने में 10 सेकंड ले रही है, कोई 5 सेकंड ले रही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अवेट क्या करता है, सबको साइमल्टेनियसली रन करता रहता है, और जिसका आउटपुट आता जाता है पहले उसको वो दिखाता जाता है। तो यहाँ तक ये रहा, चलिए और कुछ करके देखते हैं इसके अलावा। और थोड़ा सा और प्रैक्टिकली अगर आप देखना चाहो इसको और यूज़ करके, चलो और इसका और यूज़ करके देखते हैं ज़रा। मैं ऐसा करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, मतलब अब एसिंक्रोनस का यूज़ दिखाता हूँ, एसिंक्रोनसली कैसे चल रहा है। ठीक है, मैंने लिखा फर्स्ट रन, अब ये कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट रन लिखा तो सबसे पहले फर्स्ट रन प्रिंट करेगा, फिर शो फंक्शन पे जाएगा। शो फंक्शन में जब आएगा, ये आ गया आपका यहाँ पे, अब ये ऐड को कॉल करेगा। मैं चाहता हूँ ये ऐड करने में थोड़ा डिले कर दे, तो डिले करवाना है आपको, क्या करना पड़ेगा, आप क्या करो, इसके अंदर जाओ, ये रिजॉल्व है ना, इसको ऐसा करो, एक फंक्शन होता है सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट ये फंक्शन कॉल करो। इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, पहला पैरामीटर में आप ये अपना मेथड को डाल दो, और दूसरे में क्या करते हैं, इसको 5 सेकंड डिले करा देते हैं, क्योंकि अभी हम क्या है, अभी प्रैक्टिकल तो नहीं कर रहे हैं ना, मतलब प्रैक्टिकली API का यूज़ तो हम यहाँ कर नहीं रहे हैं। तो प्रैक्टिकली अगर आपको करके देखना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। सपोज मान लेते हैं ये कोई एक ऐड नाम की कोई API है जिसको एग्जीक्यूट होने में 5 सेकंड लग जाता है, ये तो अभी मैं ऐसे ही डायरेक्ट डेमो के लिए कर रहा हूँ, वरना कोई API में कितना टाइम लग रहा है ये मुझे तो नहीं पता ना अभी। तो प्रैक्टिकली करके अगर आपको देखना है, इस तरीके से देख सकते हो। अब क्या करेगा ये, मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर भी एक मैसेज लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सेकंड रन। अच्छा, अब मैं जब फ्लो को समझता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट रन लिखेगा, फिर उसके बाद शो फंक्शन पे जाएगा, शो फंक्शन में जाने के बाद ये सेकंड रन पे जाएगा, इसको प्रिंट करेगा, उसके बाद ऐड फंक्शन में जाएगा, लेकिन जब ऐड फंक्शन जाएगा उसको 5 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो ये फ्री हो जाएगा, तो इसको मैं कोई दूसरा काम करवा देता हूँ ताकि डिफरेंस समझ में आए। मैं यहाँ करता हूँ, ऐसा करता हूँ, इसी के अंदर एक मैसेज और लिख के देखता हूँ, मैं भी प्रैक्टिकली से करके देखता हूँ, पता चल जाएगा। थर्ड रन, ठीक है,
इसका मतलब है फर्स्ट रन, सेकंड रन, थर्ड रन आने के बाद रिजल्ट आना चाहिए, जबकि ये मेरा पहले है, 5 सेकंड लगेगा इसलिए इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, क्लीन करता हूँ तो समझ में आएगा। फर्स्ट रन, सेकंड रन, पहले फर्स्ट रन आया जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर ये सेकंड रन जैसे ही शो फंक्शन कॉल हुआ तो ये सेकंड रन पर पहुँच गया। ठीक है, सेकंड रन हुआ, सेकंड रन के बाद इसने 5 लिखा, कहने का मतलब है कि उसको ऐसा हुआ होगा 5 सेकंड हो गए होंगे, उसको आउटपुट मिल गया होगा। ठीक है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में चल रहा था। उसके बाद उसने थर्ड रन लिखा, फिर उसके बाद वो यहाँ आया, फिर उसको रॉन्ग इनपुट मिला, फिर उसने रॉन्ग लिखा। तो इस तरीके से ये है। तो अभी हो सकता है आपको इसमें कुछ डाउट रह गया हो, क्योंकि क्या है ना, जब आप इसको प्रैक्टिकली एपीआई के साथ यूज़ करोगे एसिंक ऑन अवेट का, तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो मेरा यहाँ फिनिश होता है, और आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे अपने कमेंट या फीडबैक मुझे दे सकते हैं, बता सकते हैं कि मेरा मुझे अपने वीडियो को और कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक डेवलपर ही हूँ, तो जितना अच्छा बना सकता था कोशिश किया उतना मैंने करा। और आप मुझे कोई सजेशन या फीडबैक दे सकते हैं, और बेसिकली ये फ्रेशर्स के लिए है वीडियो, आप अपने फ्रेंड सर्कल, अपने मतलब दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, और जो लोग नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो दोस्तों आज मैं अपना वीडियो फिनिश करता हूँ, धन्यवाद, बाय बाय।